से कांग्रेस विधायक कुलदीप वत्स झज्जर अनाज मंडी स्थित कार्यालय पर बादली विधानसभा क्षेत्र के लोगों की समस्याएं सुनने पहुंचे। कांग्रेस विधायक कुलदीप वत्स ने अपने कार्यालय में पहुंचकर क्षेत्र के लोगों की समस्याएं सुनी और उन्हीं समस्याओं के समाधान के लिए आश्वासन भी दिया। कांग्रेस विधायक ने इस मौके पर पार्टी के कार्यकर्ताओं से भी मुलाकात की। लोकसभा में नीट परीक्षा के मुद्दे को लेकर बोलते समय नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के माइक बंद कर दिए जाने के सवाल पर कहा, जनता के चुने गए सांसद का माइक बंद करके जनता की आवाज को दबाना, इससे उनकी सोच का पता चलता है कि यह लोग देश के प्रति कितने गंभीर हैं। गरीब की, मजदूर की, किसान की, युवाओं की और पहलवानों की अगर किसी भी प्रकार की कोई आवाज उठाएगा तो हम बोलने नहीं देंगे। इस प्रकार की इन लोगों की सोच है और कहीं ना कहीं इन लोगों के अंदर अहंकार है। कहीं ना कहीं देश के लोगों ने इनका अहंकार तोड़ा है और ज्यादा समय नहीं बचा है, इनका अहंकार एक बार फिर टूटेगा। धन्यवाद मीडिया के साथ। जिस प्रकार से ये मुद्दा है, ये मुद्दा नहीं है, ये इस देश के भविष्य के साथ एक खिलवाड़ है। और एक जनप्रतिनिधि जो जनता के चुने हुए सांसद है, ऐसे माइक बंद करना और लोगों की आवाज़ को दबाना, ये सोच इनकी ये सोच दर्शाते हैं कि देश के प्रति कितने गंभीर हैं। ये हर उस व्यक्ति की आवाज़ को कुचलना चाहते हैं जो गरीब की, मजदूर की, किसान की, युवाओं की, हमारे BPL परिवारों की या किसी भी प्रकार की कोई अगर आवाज़ उठाएगा तो हम बोलने नहीं देंगे, ये इनकी सोच है। तो कहीं ना कहीं अहंकार इनके अंदर है और लोगों ने अहंकार तोड़ा है और वही ज़्यादा समय नहीं, इनका अहंकार फिर टूटेगा। एनसीसी की मीटिंग में राहुल गांधी ने कड़ा फैसला लिया है कि जो भी पार्टी की नीतियों से खुश नहीं है वो पार्टी छोड़ के जा सकते हैं, उनके साथ हमारी कोई संवेदना नहीं, इसको कैसे देखते हैं? बिल्कुल राहुल जी जो हमारे नेता हैं, और मैं धन्यवाद करता हूँ राहुल जी का, बिल्कुल उन्होंने ठीक कहा है और मैं उस मीटिंग में था। राहुल जी ने पूर्ण रूप से कहा कि बिल्कुल जो पार्टी का सच्चा सेवक है, सब सिपाही है, पार्टी में रह के काम करना चाहता है, वो मीडिया प्लेटफार्म पे ना जाए और पार्टी हित में काम करे और पार्टी के सारे नेता मिलके इलेक्शन को लड़े। तो राहुल गांधी जी ने सबक संदेश दिया, जो अपने स्वार्थ बस अगर वो ये सोचता है कि मैं ही पार्टी का सर्वेसर्वा हूँ, जो भी मेरा परिवार और मैं हूँ, तो वो आपने देख भी लिया। और राहुल गांधी जी इस बात में किसी की वो नहीं मानते। और राहुल गांधी जी ने आदरणीय चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के नेतृत्व में और हमारे खासकर दीपेंद्र जी की जो जीत और दीपेंद्र जी की मेहनत और उदय बान जी जो हमारे अध्यक्ष हैं, ये इस जोड़ी ने हरियाणा में कमाल किया और राहुल गांधी जी इस बात पर बहुत खुश हुए और हुड्डा जी की और दीपेंद्र जी की और उदय बान जी की उन्होंने काफ़ी प्रशंसा भी की और वो खुश भी